नमस्कार, आप सभी का पाइस एंड नाइस किचन में स्वागत है। आज मैं मैंगो रसबेरी बनाया है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, बहुत अच्छा से बन गया है। आप सभी बनाइए इसको, खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो रसबेरी। इसके लिए मैंने रस ले लिया, ये मैंगो काट के एक मिक्सचर में डाल लिया, चीनी लिया है बड़े 3 चम्मच, मैंने मिल्क पाउडर लिया है और नारियल का बुरादा लिया है 2 बड़े चम्मच और कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया है मैंने 3 बड़े चम्मच वो सजाने के लिए, और 3 छोटी इलायची ले लिया है मैंने। ये चीनी मिला लिया पानी में, ये मैं रस डुबा के उसको लगाऊंगी। 2 छोटे चम्मच मिला लिया है। दूध बॉयल हो गया है, मैं इसमें चीनी और डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छा से मिला लूँगी, चीनी को अच्छा से मिला मैं तक तो, चीनी मिलने तक इसको अच्छा से पका लूँगी। अब ये मेरा बॉयल हो गया है, चीनी मिल गया है। अब मैं इसमें जो मैंने मिल्क पाउडर और कस्टर्ड पाउडर ठंडा दूध में मिला के रखा था वो मैं डाल देती हूँ अभी इसमें, ताकि इसको अच्छा से मिलाना है ताकि गिटली ना हो जाए। और गैस तेज रखना है ताकि गिटली ना पड़ जाए। और मेरा ये देखिए गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसको इसमें मैंगो जो पीस के रखा है वो डाल दूंगी। ये मैंने मैंगो पीस के रखा है, ये मैं डाल दूंगी सारे। और इसको अच्छा से मिला लेंगे। अब मैं गैस हल्का कर दिया है, अब मैंने मेरा ये गाढ़ा हो गया काफी। मैंने ये जो इलायची पीस के रखा था मैंने इसको डाल दूंगी अभी। इलायची का एक अच्छा सा मीठा खुशबू आता है। मेरा ये तैयार है मैंगो रस बरी। ये मेरा मैंगो रस बरी के लिए ये मेरा जो मिक्सर है ये तैयार हो गया है। अब मैं इसका गैस बंद कर दूंगी, थोड़ा ठंडा होने दूंगी। ये मेरा आम और जो दूध ये सब चीज़ ये इसकी ऐसे ये हो गया है कंसिस्टेंसी। तो अब मैं रस के साथ जमाने जा रही हूँ। ये मैंने एक डिब्बा लिया है, इसमें जमाऊंगी। ये मैंने रस को इस शुगर सिरप में डुबो के एक एक ऐसे रखेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, खाने में अच्छा होता है, स्वादिष्ट होती है। आप भी बना के खाइए। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए प्लीज़। मैं आप लोगों के लिए और अच्छा अच्छा रेसिपी लाऊंगी। ये मेरा इधर थोड़ा नहीं आ रहा है तो मैं इसको तोड़ के छोटे छोटे पीसीस से तोड़ लूँगी। अब मैं इसको 2 घंटा फ्रिज में रखूंगी।
ये ऊपर से थोड़ा ये नारियल घिस के रखा था, ये थोड़ा ऊपर से डाल दूंगी। ये भी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। थोड़ा सा ऊपर से आम, ताकि आम मुँह में भी स्वाद आए आम की। अब मैंने दोबारा एक रस डुबो के ऐसे रख दूंगी। अब मेरे पास ये छोटा छोटा कलरफुल वाला बोल है, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर से सुंदर दिखने के लिए ये दे दूंगी थोड़ा सा। ये मेरा तैयार है। अब मैं इसको 2 घंटा फ्रिज में रख दूंगी, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कैसे इसका जम गया है, कैसे क्या हुआ है दिखाते हैं। देखिए ये मेरा सेट हो गया है, मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। देखिए कितना अच्छा से बन गया है।